गाइस यहाँ देख सकते हो फाइनली यामा की तरफ से रेसिंग ब्लू कलर लॉन्च कर दिया FZ में, जो यामा R1 V4 का ही सेम कलर है। तो कलर में कोई मतलब क्या ही बोलूँ, ये जो कलर है ना सबसे बेहतरीन लगता कलर, देख लीजिए इसके हेडलाइट के सामने ब्लू कलर है। ये पूरी मैट फिनिश किया हुआ है, अलॉय व्हील पूरा ब्लू कलर किया हुआ है अलॉय, और यहाँ भी आपको ब्लू, यहाँ पर आपको मिलता है क्रोम में, और यहाँ पर ही जो लिखा हुआ FZS V4 है, और यहाँ पर ही यामा का लोगो कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है। यहाँ से आपको मैट फिनिश मिलता है, ये फाइबर है, पूरी फाइबर है, और क्या ही बोलूँ यार, ये बाइक तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर ही देख रहे हो ग्लॉसी शाइनिंग ब्लैक कलर है, यहाँ भी आपको पूरी ब्लैक शाइनिंग ब्लैक, और यहाँ से आपको ब्लू कलर का मिलता है, और इधर मैट फिनिश मिलता है, ये भी पूरी मैट फिनिश। पीछे का भी अलॉय पूरी आपको मिलता है ब्लू कलर, 140 सेक्शन का टायर मिल जाता है। ये पूरी क्या हुआ मैट फिनिश किया हुआ है, देख लीजिए। और इसका ये इसका फुटरेस भी ठीक ठाक ही है, और बहुत ही अच्छा बाइक है गाइस, देख सकते हो। और सीट तो यार क्या ही बोलो, थोड़ा कम्फर्ट है। और आगे आते तो आगे आपको दिख रहा इस तरह से, ये फुली आपको मिलता है LED, मतलब कुछ मस्त लग रहा है यार देखने में। और गाइस ये देखिए इसका मडगार्ड पूरी मैट फिनिश किया हुआ, ये भी ये अगर ब्लू कलर अगर रहता तो बहुत अच्छा लगता है। और इस बाइक में आपको सिंगल चैनल मिलता है ABS, और ये देखिए इसका इंडिकेटर भी आपको मिलता है LED, बहुत अच्छा यार LED अभी ये यामा की तरफ से मिल रहा है। और इसका देखिए डिस्क कितना बड़ा साइज का है, और क्या ही बोलो 30.5 mm का इसका साइज है डिस्क ब्रेक, और बहुत ही अच्छा ब्रेक है, वाइब्री का लगा हुआ है, यामा का लोगो, यहाँ पूरी ब्लैक कलर। इसमें आपको लिक्विड कूल नहीं मिलता, ऑड कूल इंजन मिल जाता है, और नीचे बढ़िया सा मिलता काउल। तो आप लोग कमेंट करना है कि आपको ये बाइक आपको कैसा लग रहा है, बाइक बहुत अच्छा है देख लीजिए। और ये इसके इधर है ये वाला ब्लू कलर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।